ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो सीधा सवाल, और सीधा सवाल में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार शामली में अब व्यापारियों ने पलायन का रास्ता क्यों अपनाने का मन बना लिया है, क्यों आखिरकार व्यापारी शामली को छोड़ने का मन बना चुके हैं, क्यों व्यापारी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर ली है। कैराना जैसा ही मसला है। कैराना में जब कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की कमी की वजह से लोगों ने पलायन किया था और उनकी लिस्ट भी हुकुम सिंह ने जारी की थी, और अब शामली में व्यापारी खुलेआम सड़क पर आ गए। उन्होंने कहा है कि हम पलायन कर जाएंगे, गुंडों से परेशान है, बदमाशों से परेशान है, रोज हत्या लूट और डकैती होती है और पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं करती। समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा मैं, राहुल वर्मा जी आप बताइए, पुलिसिंग को आप लेकर बहुत दावे कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आप करते बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था है, डायल 100 भी जारी हो गई है, लेकिन अगर शामली की बात करें तो क्राइम लगातार बढ़ रहा है। जी देखिए, घटना होना, क्राइम बढ़ना, अगर आप पूरे प्रदेश को उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं जितना भी अपराध पहले हुआ उनसे बहुत कम अपराध इस सरकार में हुआ है। और जब चुनाव आते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी को, मैं व्यापारियों का इसलिए हमदर्द हूं क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी हूं, मैं मानता हूं कि घटना होने के बाद व्यापारी आक्रोशित होते हैं, लेकिन अगर आप व्यापारियों की बात करें पूरे साढ़े चार साल में किसी व्यापारी ने पलायन की बात क्यों नहीं की, क्यों अभी चुनावी मुद्दा आने के बाद शामली के लोगों के बीच में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच गए और उन लोगों ने जाके ये कहना शुरू कर दिया हम पलायन कर रहे हैं। साढ़े चार वर्षों में क्यों नहीं पलायन किया गया किसी ने, चुनावी मुद्दे पर आकर भी पलायन किया गया। अगर आप पूरी शामली की और कैराना की, यहां तक कि बुढ़ाना और आसपास के लोगों की बात करें, जो कस्बों में लोग रहते थे किसान परिवार के लोग, उन्होंने भी शामली और कैराना का पहले से बहुत बड़ा बाजार बन चुका है, बाजार छोटा नहीं हुआ, बाजार बहुत बड़ा हो गया, जो लोग संपन्न हो गए उन्होंने अपने काम को बढ़ाते हुए बाहर चले गए। लेकिन अगर आप व्यापारिक दृष्टिकोण से बाजारों में जाएंगे, शामली के मार्केट में जाएंगे, अगर कोई पलायन करता है तो बाजार छोटे हो जाते हैं, शामली का पूरा बाजार इतना बड़ा हो गया, कैराना का इतना बाजार बड़ा हो गया, तो व्यापार बढ़ रहा है, व्यापारी घट नहीं रहा। आप मानेंगे ही नहीं क्योंकि आप लोगों ने कसम खा रखी है कि आप ये बात तो मानेंगे नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप हमेशा यही कहेंगे नहीं जी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, यूपी 100 चल रही है, फिर उसके बाद 4-5 योजनाएं आप गिनाना शुरू कर देंगे। ये सब नेताओं की आदत पड़ी हुई है। बिल्किस जी आप बताइए, एक व्यापारी जो वहां से परेशान है, एक व्यापारी पलायन करने के लिए मजबूर है, एक व्यापारी जो पुलिस के खिलाफ उसमें गुस्सा है, वो व्यापारी बेचारा कहाँ जाए? आप एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक व्यापारी के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आप कैराने के व्यापारी की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश के व्यापारी को कह रही हूँ, स्टैम्प नोटबंदी की वजह से, महंगाई की वजह से पूरे देश का व्यापारी छोड़ने को तैयार है, लोग बाग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग बाग जो है ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, जब दाल 260 रुपए किलो थी तो बीजेपी की जो है नेत्रियां गले में तख्ती डाल डालकर नारे लगाती थी, थाली बेल लेती थी, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं करनी, हमें बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं करनी, हमें दालों की बात नहीं करनी है। जब आदमी के पास व्यापार नहीं रहेगा, जब आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा, जब महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, हिसाब से क्राइम बढ़ना है। चीफ जस्टिस की रिपोर्ट नहीं सुनी थी, उन्होंने कहा था नोटबंदी के कुछ दिनों बाद में क्राइम बढ़ेगा, ये उसका संकेत है। चीफ जस्टिस जी ने कहा था कि अगर ये नोटबंदी का असर है वो अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस टाइम लोगों के पास पैसा है। तो बिल्कुल जी, ऐसा क्या करना चाहिए था सरकार को, ये लूट घटना है, ऐसा क्या करना चाहिए था? नहीं बिल्कुल जी, फिर ऐसा क्या करना चाहिए था सरकार को जिससे क्राइम कम हो जाता, जो क्राइम बढ़ रहा था ग्राफ? नौकरियां करनी चाहिए थी लोगों के लिए और ये महंगाई कम करनी चाहिए थी। पेट्रोल देख लीजिए, 50 पैसे पेट्रोल पहले बढ़ जाता था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो लोग बाग हल्ला मचाते थे, अब आए दिन तीसरे दिन एक महीने में कम से कम 5 दफा पेट्रोल में पैसे बढ़ते हैं। जी आप कट करेंगे धर्मवीर जी, व्यापारी परेशान है। सुनार ने 2 महीने तक अपना पूरा व्यापार बंद रखा, सब्जियां बेची सड़कों में बैठकर, गुंगी बहरी सरकार केंद्र की कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक व्यापारी अगर धमकी दे रहा है तो पूरे एक व्यापारी धमकी नहीं दे रहा है मैडम, एक नहीं बहुत सारे व्यापारी धमकी नहीं दे रहा, पूरा व्यापार मंडल धमकी दे रहा है कि अपराध को लेकर। आपने क्या क्या है व्यापारी, समाजवादी बताएगी जिसकी सरकार है, समाजवादी बताएगी। हमने आवाज उठाई है, जो पीड़ित है उनकी आवाज उठाई है, उनके साथ है। बड़ी अजीब विडंबना है इस देश की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तब आवाज उठाते हैं जब उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, आप लोग तो आवाज ही नहीं उठाते। नहीं नहीं, हम लोग आवाज के साथ खड़े हैं, हम लोग आवाज के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी के लोग जब सत्ता में थे तब भी और जब सत्ता में नहीं थे तब भी, आप ये देखिए पूरे देश के अंदर, अगर आप ये देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप बात को दोबारा से सुनिए कि 4.5 वर्षों में ऐसा क्या था कि शामली के अंदर कोई व्यापारी पलायन नहीं कर रहा था। मैं अभी बता रहा हूं कि शामली के बाजार बड़े हुए हैं,
व्यापारी घटना के बाद आक्रोशित हुए, हम लोग उनके बीच में गए, उन्हें समझाया, लेकिन बाजार खोले भी गए। इनमें कुछ चुनिंदा लोग, चुनिंदा लोग जहां चुनिंदा घटना के बाद लोग वहां पहुंचते हैं। और आप ये देखिए, जब घटना हुई घटना होने के बाद घटना प्लान किया, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे सांसद नहीं कोई अच्छे सांसद नहीं है। आप ये देखिए कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए साढ़े चार वर्षों में किसी व्यापारी ने पता नहीं किया। जब इन्हें ये दिखाई दे गए, जब इन्हें दिखाई दे गया कि अब चुनाव आ गया, तो ये शामली में पहुंच गए कि सब व्यापारी पलायन कर रहा है। व्यापारी कोई पलायन नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश सरकार के अंदर व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो है इस सरकार ने व्यापारियों के लिए काम किया है। आज देखिए, जब मायावती जी की सरकार थी, जब मायावती जी की सरकार थी, व्यापारियों पर वेट लगा दिया गया, अखिलेश सरकार ने उस वेट को लगाने दिया। बालियान जी, गौरव जी, आप दोनों को रोकूंगा, एक मिनट आप दोनों को रोकना चाहूंगा, एक मिनट। ऐसे कोई सुन नहीं पाएगा आप लोगों की बातों को। प्लान किया है यहाँ पे व्यापारी हर फॉर्म और बिरादरी का होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यापारी हर फॉर्म बिरादरी का होता है। व्यापारी की कोई जाति नहीं होती, व्यापारी सभी जातियों धर्म के होते हैं। व्यापारी व्यक्तिगत एक समाज नहीं होता, व्यापारी सभी जाति धर्मों के होते हैं। और आप लोग घटना के बाद जाते हैं, और घटना के जाने के बाद मालियान जी, एक मिनट, आप लोगों की बात पब्लिक अच्छे तरीके से सुन पाए, इसलिए आप लोग एक एक करके बोलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपके पास आऊंगा जी। समाजवादी पार्टी में सब जानते हैं, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, गुंडे माफिया खुलेआम रोड पे घूमते हैं, खुलेआम गोलियां मारते हैं व्यापारी को, धमकी देते हैं, उगाही करते हैं, अपनी जान बचाने को कुछ लोग समझौता करते हैं, गुंडों के मुंह मांगी रकम भी देते हैं, मजबूरी में फिर वो एक समय आता है प्लान कर जाता है। मेरे भाई ने मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि मेरे साथी जो है पढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, इनका एक ही मामला है। मेरी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप जवाब दियो, कोई बात ना पूछिए। ये वहां पे क्यों हुआ है जहाँ पे एक विशेष समुदाय की संख्या ज्यादा है, व्यापारी प्लान केवल वहां से क्यों किया, कराने से ही क्यों किया, शाहपुर से क्यों किया, कांडला से क्यों किया? नहीं, अगर ऐसा नहीं है, अगर आप सुनिए, वर्मा जी, वालियन जी, दरअसल ये है कि हम लोग आरोप एक दूसरे पर जरूर लगाते हैं, लेकिन जांच के लिए कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाता, कोई भी ये जांचने की कोशिश नहीं करता। जांच के लिए सबसे पहले हमारी सरकार आगे आई, सरकार ने आगे आकर जांच कराने का काम किया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जांच नहीं कराई, नहीं, कोई फाइल में नहीं दबाई। अगर सरकार फाइल में दबाई जी, चलिए आप दोनों, एक मिनट, बहुत देर हो गई आप लोगों को एक दूसरे पर आरोप लगा दो। बिल्कुल जी, भी आप कोई आरोप लगाएंगे? बिल्कुल जी, आप नहीं, पहले तो मैं भाई साहब की बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष, देखिए व्यापारी व्यापारी होता है, इंसान इंसान होता है, ये आप इस तरह करके लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। इनके पास एक ही मुद्दा है, विशेष समुदाय, विशेष समुदाय, इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए ये बात हकीकत है, इससे मनाई नहीं की जा सकती कि बीजेपी सरकार हमेशा ये काम करती है कि व्यक्ति विशेष को लेकर चलती है और व्यक्ति विशेष की भावनाओं को भड़काती है। ऐसा नहीं है, व्यापारी व्यापारी सभी जातियों धर्म के हैं। जवाब देता हूँ मैं आप लोगों की बात का जवाब देता हूँ एक बार सुनिए, एक मिनट, बिल्कुल सही, एक आपने जब बात कही है तो मुझे एक बात का जवाब दे देना चाहिए। एक बात, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ सभी से, अगर बीजेपी हिंदुओं की बात कर लेती है तो उसमें क्या गलती कर देती है, बल्कि तमाम दल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं? नहीं, ये मेरा जायज सवाल है, ये मेरा सवाल है, ये सवाल है जी। आप सुनिए,
ये जो आप हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। अगर देश की राजनीति में अगर आप आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी जाति धर्मों के लोगों का सम्मान समाजवादी पार्टी के लोग अन्य दल भी करते हैं। देखिए तुष्टिकरण सब जगह से हो रहा है जी, आप मुसलमानों की राजनीति नहीं, नहीं हम सभी लोगों की राजनीति करते हैं। ये सब व्यक्ति विशेष के लोग होते हैं और व्यापारी की पार्टी की व्यापारी की कोई जाति नहीं है। मुस्लिम का नाम बताइए, मुस्लिम को साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी अपनी चुनावी लिस्ट जारी की है। वही मैं पूछ रही हूं, आप ये देखिए कि ये बात करते हैं, इनके प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 4.5 वर्षों में जब इन्होंने देखा कि सरकार दोबारा बनने जा रही है, पूरे देश के आवाम ने यह मान लिया कि अखिलेश सरकार ने सबसे अच्छे काम किए, उसमें व्यापारियों के लिए भी किए, और ये परेशान हो गए, हतोत्साहित हो गए। हम शामली के मुद्दे पर थे और जब कोई घटना हुई और वहां पर इन्होंने उन व्यापारियों को भड़का कर कहा पलायन कीजिए, अगर व्यापारी पलायन करते तो 4.5 वर्षों में क्यों नहीं ऐसी घटना हुई? व्यापारी परेशान है, मैं आपसे अपने साथी की बात पे परेशान है बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यापारी परेशान अपराध से नहीं, व्यापारी परेशान केंद्र सरकार की नोटबंदी से है। पिछले जितने दिनों से भी आप देखिए हमारे ऊपर जितने प्रकार के भी, ये जब से नोटबंदी का काम आया व्यापारी मंद की मार झेल रहा है, लोग नोटबंदी पर पहुंच जा रहे हैं बार बार। नोटबंदी इसलिए अपराध का है, नोटबंदी से सुनिए 4 वर्षों में नोटबंदी से पहले भी अपराध हो रहा था, नोटबंदी से पहले भी अपराधी पूरे तरीके से मिलता है। इन्होंने कहा है एक भारतीय जनता पार्टी है, आप मुद्दे से न भटको, मैं विशेष समुदाय के अगर आप ये सोच रहे, आरोप लगा रहा हूँ, बिल्कुल लगा रहे आरोप, ऐसा व्यापारी की कोई जाति नहीं होती। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ हर समाज का आदमी व्यापारी है, जैसे हर समाज का व्यक्ति किसान है, आज पूरे भारत के अंदर नहीं कोई स्वागत नहीं। आप लोग राजनीति बात करोगे, सहन आवाज हुसैन ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जिसने मुस्लिम को राज्यसभा भेजने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू की आप बात करते हैं, हमारे यहाँ सभी की बात है, हमारे यहाँ पर समाजवादी दोनों समाज में राजनीति करती है, फाट डालती है। आप देखो मुस्लिम अगर समाजवादी पार्टी के लोग, बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई नीति नहीं लेकर आती, मुस्लिम लड़की अगर इंटर पास करती है उसको 20,000 रुपए नहीं, हमारे यहाँ सभी को दिया गया। हम एक काम करेंगे, नहीं रुकिए वर्मा जी, वर्मा जी, वालियान जी, वालियान जी, वर्मा जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए आप लोग। हम मुद्दे पर आते हैं फिर से एक बार, हम मुद्दे पर आते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि किसको कितना मिल रहा है, इन सब मुद्दों पर हम और बाद में डिबेट करते रहेंगे तमाम मुद्दे, लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि व्यापारी को पलायन क्यों करना पड़ रहा है, बदमाशों के आतंक की वजह से पलायन करना पड़ रहा है। हमें लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, हमें लॉ एंड ऑर्डर पर बात करनी है। अधिकारी क्यों सजग नहीं होते, अधिकारी क्यों तैयार नहीं होते, क्यों बदमाशों को नहीं रोक पाते अधिकारी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरी एक मिनट आपके पास है, बिल्कुल जी आप बताइए। देखिए मैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, व्यापारी अगर परेशान है तो उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, उनकी हमें मदद करनी चाहिए और क्राइम को रोकना चाहिए। इसके लिए कार्य कर भी रहे हैं हम लोग भी आगे आवाज उठाते हैं और जो यहाँ की जो सरकार है उस पर भी हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि इसको रोका जाए। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष को वर्ग को आप बीच में ला के, या आप सोचते हैं भाई को भाई से लड़ा के, जैसे कि बीजेपी का मुद्दा रहा है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो है पर्सनल लॉ पे अटैक किया कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो 3 तलाक मान्य होगा या नहीं होगा, वो उनका पर्सनल मैटर है, आप उस पर छोड़ दीजिए। अगर मुस्लिम महिलाएं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मुस्लिम महिलाओं से इतना ही प्रेम है तो उनके लिए आरक्षण आप अपनी सरकार में दे दीजिए, आप उनके लिए नौकरी दे दीजिए, आप उनके, और आप देखिए कि कोई भी जाति का व्यक्ति व्यापारी हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के पास महिलाओं के लिए अत्याचार है ना, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए सिर्फ तलाक के लिए वो मर रही है। के मुद्दे पर किसी और दिन बहस कर लेंगे, मैं कुल मिलाकर देखिए व्यापारी की कोई जाति बिरादरी नहीं होती, व्यापारी सभी समाज के होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हमारे राजनीतिक एक ऐसा दल है जो व्यापारियों के अंदर भी जाति और धर्म को डालने का काम कर रहा है। व्यापारी कोई पलायन नहीं कर रहा, मैं फिर ये कहना चाहूंगा, अगर व्यापारी
ही पलायन करता तो इतना बड़ा बाजार जहां पर 450 दुकानें हुआ करती है, वहां 3,000 से 4,000 दुकानें, व्यापार बढ़ रहा है दिन बर दिन। जब इनके पास मुद्दा नहीं भाई, पलायन पर आ गए, मुद्दा तो है ही नहीं पलायन। ये राहुल जी मैं नहीं कह रहा, शामली के व्यापारी कह रहे हैं, व्यापारियों के बीच में आपके लोग हैं जो व्यापारियों के बीच में, व्यापारी नहीं कह रहा, व्यापारी के बीच में आपके लोग हैं जिन्होंने चुनावी मुद्दे को देखते हुए, चुनावी मुद्दे को देखते हुए वहां हंगामा कराकर व्यापारियों को बहकाने का काम आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। 4.5 वर्षों से कोई प्लान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, जनता ने आपकी बातों को सुन लिया है और जनता समझने की भी कोशिश करेगी। सीधा सवाल में हमारे साथ तीनों मेहमानों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए बैठे थे कि आखिरकार शामली में व्यापारी क्यों सड़कों पर उतर आए हैं, क्यों वो पलायन करने पर मजबूर है, आखिर उनके पलायन को लेकर पुलिस और प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, उनको रोकने के लिए क्या, उनको रोकने के लिए कोई पहल की जा रही है या फिर बदमाशों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। राजनीतिक दल हमारे साथ थे, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि व्यापारियों का समाधान आखिरकार कैसे होगा, व्यापारी का दर्द कैसे समझा जाएगा, एक आम इंसान का दर्द कैसे समझा जाएगा। अगर हम देखें तो एक इलाके में अगर कहीं भी क्राइम होता है, किसी की हत्या होती है, तो वहां से वहां के सभी लोग परेशान होते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी और धर्म का हो। तो जरूरी है कि हमें क्राइम के खिलाफ लड़ना है, ना कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ना है। फिलहाल आज सीधा सवाल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए सीधा सवाल। नमस्कार।